जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम आज के समय में विश्व के लगभग सभी देशों में है। ये लोग अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की बात ही कुछ अलग है। इसका बोलबाला आज दुनिया भर के देशों में है। बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म के ज्ञान व अध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं। सऊदी अरब जैसे देशों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों का कहना है कि यह सब झूठ है, किसी मुस्लिम देश में हिंदू भगवान की पूजा नहीं हो सकती। तो आज हम आपको उसी मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिस देश में मुस्लिम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आखिर कौन सा है वह देश, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा मुस्लिम देश है जहां मुस्लिम हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे पूर्वजों ने इस बात के कई सबूत दिए हैं कि हजारों सालों पहले तक संपूर्ण विश्व में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जिसका ज्ञान हमें गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी इन कट्टरपंथी लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल है कि सनातन धर्म के बाद अन्य सभी धर्मों का निर्माण हुआ है। आज के समय दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। ये लोग अपने धर्म को लेकर काफी प्रचार प्रसार भी करते हैं ताकि लोग इनके धर्म को अपना लें और इनकी संख्या में वृद्धि हो जाए। लेकिन इन सभी धर्मों में इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इसी कारण वह जबरदस्ती या लालच देकर लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा रहा है। लेकिन अब लोगों को इस्लाम की सच्चाई का पता चल चुका है। यही कारण है कि युवा मुस्लिम पीढ़ी इस्लाम को छोड़कर हिंदू सनातन धर्म को अपना रही है। कई मुस्लिम देशों में एक बार फिर से सनातन धर्म बढ़ने लगा है और बहुत से मुस्लिम देश आज भी ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनमें इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के लोग आज भी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया सभ्यता वाला देश है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सनातन धर्म का। ऐसा कहने के पीछे का कारण है इसका इतिहास। यदि आप उज्बेकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो सनातन धर्म से जुड़ी काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके खीवा शहर में आज भी हजारों साल पुरानी संस्कृति के अस्तित्व छुपे हुए हैं। यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सारी बातों का ज्ञान है। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान से वंचित रह जाएं, क्योंकि इनकी संख्या में काफी कमी आई है। और इसके पीछे का कारण है इस्लाम का नाम लेकर गलत काम करने वाले कट्टरपंथी लोग जो हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं। उज्बेकिस्तान के इस शहर खीवा का इतिहास करीब 1400 से 1500 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ जो घर बने हैं उनकी बनावट प्राचीन हिंदू सभ्यता से काफी मेल खाती है, जिसमें एक घर का दरवाजा दूसरे घर के आंगन में खुलता है ताकि लोग आपस में जुड़े रहें और भाईचारा बना रहे। हिंदू सनातन धर्म की ही तरह यहाँ के लोग भी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर ईरानी लोग आए थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों में बातचीत के दौरान प्राचीन ईरानी भाषा का उपयोग देखने को मिलता है। उज्बेकिस्तान में आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और ये लोग हजारों सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह शहर 6वीं शताब्दी में भी स्थित था। इन सब प्रमाणों से यह साबित होता है कि सनातन धर्म
हजारों सालों पुराना है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।